एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो कल अपन देखा कि जदों कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा और मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी बदल रही है तो असं कहने कि वो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। पर जदों असीं एक गल का एनालिसिस करते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्यों बदल रही है, जे असीं कहिए कि पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ स्पीड ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟ੍ਰੀਪੇਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या अलोंग द वेलोसिटी होती है या ऑपोजिट टू वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है बेसिकली किधर को होती है, बेसिकली होती है अलोंग द टेंजेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन along the tangent होती है ना, तो इस करके इसको tangential acceleration कहते हैं। तो centripetal acceleration की direction along the radial direction है, towards the center। तो centripetal ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਪਲੱਸ ਪੀਟਲ। ਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂਵਰਡਸ ਸੈਂਟਰ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਵਰਡ ਇਹ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੱਲ ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। Component of acceleration which arises due to change in direction of motion, हुण आपां इहदी एक्सप्रेशन डिराइव करनी। तो लिखो, कंसिडर ए पार्टिकल Consider a particle
बी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी. ब्रैकेट जी लिख लो और ब्रैकेट जी लिखियो और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ओमेगा. कॉन्स्टेंट वेलोसिटी क्या मिली, कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ब्रैकेट बंद. हम ये अपार गेशन निकाल चुके हैं कि अगर मेनू कोई कहे कि सर्कल चिक पार्टिकल घूम रहा, तो अगर सर्कल का रेडियस है आर, पार्टिकल की वेलोसिटी है वी, तो सर्कल च घूमते हुए पार्टिकल की वेलोसिटी भी है तो एंगुलर वेलोसिटी भी है ओमेगा, तो वी के बराबर है आर ओमेगा, है ना. रिजल्ट आप डेरिवेशन की थी, ये तो आप बना ली डेरिवेशन का पहला पार्ट. हुण अगे चलिए आप आए, हुण असी डायग्राम बना लगे हाँ. एक सर्कल है, सेंटर है, रेडियस है, और असि इतने कहता कि पार्टिकल इस सर्कल च घूम रहा पर उसकी स्पीड की है कॉन्स्टेंट. मान लो एट टाइम पी पार्टिकल कितों की लंघ रहा ए ते, वेलोसिटी की डायरेक्शन कितना शो करूंगे ए ते, टेंजेंट बना के ए लिखन का मतलब है कि ये वेलोसिटी जो पार्टिकल ए ते. मान लो क्योंकि ये पार्टिकल सर्कल च घूम रहा वा मोशन च, तो थोड़ी देर बाद इन्हें कितने पहुंच जाना है, वो आप टाइम की लिख लेते हैं एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी. तो आ है इनिशियल टाइम, आ हो गया फाइनल टाइम. फाइनल टाइम जो इनिशियल टाइम माइनस करो तो टाइम टेकन कितना आया कर सकते हैं, कितना डेल्टा टी. तो डेल्टा टी इतने की है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम ए टू बी. हूँ ध्यान दे उत्तर, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा कुछ सर्कुलर मोशन च, जो कोई भी पार्टिकल सर्कल च घूमना वा है ना, ता जो अपनी जगह बदलता वा, जिदा हम इतने पार्टिकल पहला ए ते सी, आफ्टर टाइम डेल्टा टी कितने पहुंच गया, ता जगह बदलन दे नाल सर्कल दे सेंटर दे की बने हैं कुछ एंगल. तो सर्कुलर मोशन च इहनूं की कहना पार्टिकल दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक हो गई गल. हुण जिदा ए पॉइंट ते आपां वेलोसिटी शो कीती है बी ते भी कर सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ करके. ठीक है, पर आपां शुरू च की मनिया कि पार्टिकल दी स्पीड की है, स्पीड की है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. ए पॉइंट की वेलोसिटी है वी ए, बी पॉइंट की वेलोसिटी है वी बी. जदों आपां इहदे अगे भी मॉड पाता इहदे अगे भी मॉड पाता, तो एक ए पॉइंट की स्पीड हो गई या ए बी पॉइंट की स्पीड हो गई, पर स्पीड तो हर जगह पे, तो आपां इहनूं की क्या
वी दे बराबर है, मॉड वी ए मॉड वी बी वी दे बराबर है, ये ध्यान च रख लेना। नंबर टू हम देखो पुत्र, हम इस गल नू याद रखना, तुसी आ एक वैक्टर है पुत्र, ठीक है, किसी भी वैक्टर नू ना आपा शिफ्ट कर सकते हैं। कितना शिफ्ट कर सकते हैं, हम जिदा मान लो आ केड़ा वैक्टर है, वी ए वैक्टर है, इनू मैं जे अलग जगह ते ले जाना वा तो मैं बस पता की करना, इस वैक्टर नू मैं जिथे शिफ्ट करना उत्थे मैं इस वैक्टर दे पैरलल ते सेम साइज दी लाइन लगा लेनी, तो जिन्ना साइज एदा वा उन्ना साइज एदा रखना, तो आ दोनों लाइंस बराबर साइज दिया वा, इस करके जे मैं एरो पाता तो आ दोनों वैक्टर्स दी लंबाई बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन सेम है, इदा नाम अगर वी है। अच्छा इतने आ दूसरा वैक्टर है, इनू भी मैं शिफ्ट कर सकता जिथे मर्जी कर सकता, पर मैं हुन जिस जगह पे बी ए वैक्टर की टेल है ना आ वाली, तो मैं दूसरे वैक्टर नू शिफ्ट इदा करना कि वी बी की टेल भी बी ए वाली टेल दे नाल मैच कर दे, मतलब आ जिहड़ा वैक्टर है इहदे पैरलल इदा आ लाइन इधे पैरेलल रखनी और इस लाइन की लंबाई कितनी रखनी है इधे बराबर। और एक गल और सुन लो, आ केड़ा वेक्टर है, हाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब आ दोनों वेक्टर्स नू ड्रॉ करते वक्त डायग्राम च भी लंबाई की रखनी है सेम रखनी, तो आ केड़ा वेक्टर हो गया VB वेक्टर। और एक मजेदार गल जेडी हमेशा याद रखियो पुत्र, आ डॉटेड लाइन नजर आ रही है, अभी नजर आ रही है, आ दोनों लाइंस आपस च कितना एंगल बना रही हैं, थीटा, थीटा ये बड़ी जगह से यूज होना, आ दो लाइंस आपस च एंगल बना रही हैं थीटा, आ जेडी लाइन है वाली वेक्टर वाली, आ लाइन इस लाइन दे परपेंडिकुलर है, पता ना, क्योंकि आ रेडियस है आ परपेंडिकुलर, और आ लाइन इधे परपेंडिकुलर, सो आ दो लाइंस अगर एंगल बना रही हैं थीटा, तो उना दो लाइंस दे परपेंडिकुलर आ वाली है जिहड़ी लाइंस आ वाली है ये भी आपस च कितना एंगल बनाती हैं, थीटा ही बनानी है, समझ गए, ये ज्योमेट्री च पढ़ाने आपां, नहीं पता, जे नहीं पता तो इनू याद कर लेना, ये बड़ी जगह दे काम आना पुत्र, अगर दो लाइंस एक दूजे दे नाल एंगल बना रही हैं थीटा, तो उना दोना लाइंस दे जिहड़ियां परपेंडिकुलर लाइंस है वो भी आपस च कितना एंगल बनाएंगी हैं थीटा ही बनाएंगी, तो आ दो लाइंस के एंगल अगर 60 डिग्री है तो फिर इधे और इधे च भी एंगल 60 होना, जे आ 30 है तो 30 होना, तो ये याद रखना है ना। हुण ध्यान दियो इस डायग्राम च ए की है इनिशियल पोजीशन, बी की है फाइनल पोजीशन मन्नी है, ए तो बी जाण नू कितना टाइम मन्निया डेल्टा टी, ठीक है, VA इनिशियल वेलोसिटी है, VB, ठीक है, और अगर मैं कितना एरो पादा आ एक ट्रायंगल बन गई है थोड़े सामने, कंप्लीट हो गई,
कि नहीं हुई? हो गई। इस ट्राइंगल आपका एक नाम रख लेने हैं ए बी सी, रखता नाम। हुण इस ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी तीन साइड्स है ट्राइंगल दी, और ये तीनों साइड्स वेक्टर्स है, तीन वेक्टर है। इन विचों सेम ऑर्डर वाले वेक्टर्स नजर आ रहे हैं यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। हाले कुछ ना लिखियो कि कठर, तो सेम ऑर्डर केड़ा है इतना हाल इका, इधर आपका नाम बोल सकते हैं स्टार्ट हो रहा बी तो खत्म हो रहा इज इक्वल टू बी बी, तब बी सी बी बी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी। इधर मतलब आ जरा वेक्टर है इन्हों आप की बुला सकते हैं डेल्टा वी वेक्टर, ये चेंज इन वेलोसिटी नु रिप्रेजेंट कर, ठीक है। तो आ डायग्राम बनाओ, इधर नीचे आ लिखो, आ डायग्राम बनाओ, इधर नीचे आ लिखो। जो नजर आ रहा है हिसाब से जवाब देखियो, क्या आप इनू ट्राइंगल कह सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं? स्ट्रेट नहीं है, है ना? अच्छा हम देखो,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਏ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀ ਏ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀ ਏ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਤਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਲਿਖੋ ਇਫ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਜ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਆਹ ਲਿਖ ਮਿੱਤਰ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਜ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਦੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ ਲਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਓ ਏ ਬੀ ਕੈਪੀਟਲ ਓ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ ਕੈਨ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਥੱਲੇ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਓ ਏ ਬੀ ਥੀਟਾ ਐਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਰਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੈਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਤਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਬੀ ਏ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਟੇਤਾ V ਦੇ ਔਰ ਆ ਐਂਗਲ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਮੀਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੈ ਹਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋ ਐਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAB ਆਰ ਸਿਮੀਲਰ ਸਿਮੀਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਈ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹਦੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਏ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਲ ਬਾਏ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਖਤਾ
देखो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, दोनों पासे डेल्टा टी नाल डिवाइड करता, तो वी आर एल डिस्टेंस ओवर टाइम के करनी, वी बन गया ना, यही बन गया। तो अच्छा हम लेफ्ट वाल साइड वाला देखो, लेफ्ट साइड पे की है उधर आई है लेफ्ट साइड पर होने तक पे आंदे ही हो, इनु ट्रायंगल बनाने लिए अपन की मन्ने ऐसी कि BA दे काफी पर कदों जो डेल्टा की बहुत जीरो है, मतलब जो तो लिमिट डेल्टा की ही है जीरो दे लगभग बहुत छोटा, आया जो तो डेल्टा बहुत छोटा हो जाए ना तो वो डी बन जाता है डिफरेंशिएशन, इना मतलब आप इनको की लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला लिखना नहीं है तो आप सीधे कह देना चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन की होती एक्सेलरेशन, वेक्टर नहीं पाना है इधर, ठीक है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन की है एक्सेलरेशन। पर हम दोबारा देखो इस सर्कल च जो तो पार्टिकल घूम रहा उसकी स्पीड बदल रही है कि नहीं बदल रही, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं, तब इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है क्यों है तो चेंज इन डायरेक्शन वाली एक्सेलरेशन को भी कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, इस करके सेंट्रीफ्यूगल। तो जदों भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कटनी है केड़ा फार्मूला लगाना v स्क्वायर बाय r, अच्छा और क्योंकि सर्कल च v दी वैल्यू r ओमेगा भी होती तो इनु आपा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कटन लई ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ